इस तरीके से रचा जा रहा है ताकि हर बात में हिंदू मुसलमान ढूंढा जा सके। एक बात को याद रख लीजिएगा कि देश में आज जो भी समस्या पैदा हो रही है वो न सिर्फ हिंदू की समस्या है और न सिर्फ मुसलमान की समस्या है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं बता देता हूं। दिल्ली में कुछ दिन पहले लोगों को डेंगू हो रहा था, तो मेरा एक भाजपाई दोस्त है, दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, उसको डेंगू हो गया। हम बोले दोस्त कितना बुरा हुआ है तुम्हारे साथ बताओ, कितना अच्छा होता कि डेंगू का मच्छर भी गर्दन हिला करके गाना गाते हुए आता एंड पूछता व्हाट इज योर नेम, तुम कहते मेरा नाम मोहन है तो कहता ओके टाटा बाय बाय आई विल नॉट कट यू, मैं तुमको काटूंगा नहीं क्योंकि तुम हिंदू हो। डेंगू का मच्छर नाम पूछ करके नहीं काटता है। दिल्ली की हवा खराब हो गई, धर्म देख करके फेफड़ा खराब कर रहा है, हिंदू का भी फेफड़ा खराब हो रहा है और मुसलमान का फेफड़ा भी खराब हो रहा है। हर बात में यह हिंदू मुसलमान किया क्यों जा रहा है? हर बात में यह हिंदू मुसलमान इसलिए किया जा रहा है ताकि इस देश के नागरिक के जो बुनियादी सवाल हैं उससे उनको गुमराह कर दिया जाए। और मोटा मोटी इस बात को आप समझ लीजिए कि यह जो एनआरसी का इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया गया है उसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है। पहला तो ये कि ये किसी को कहीं नहीं भेजने वाले हैं। आज तक हमको बता दीजिए कि कितने लोगों को भेजा गया है, एक भी लोगों को नहीं भेजा गया है। और असम में जैसा कि आपको कन्नन साहब ने बताया कि 1600 करोड़ खर्च करके एनआरसी का लिस्ट तैयार किया गया। जब लिस्ट बन रहा था तो ये बहुत खुश थे, इनको लग रहा था कि इसमें ज्यादा मुसलमानों का नाम होगा और ज्यादा अगर मुसलमानों का नाम होगा तो इनकी राजनीति जम जाती, इनका सिक्का चल जाता। लेकिन उल्टा हो गया। इतिहास अगर ठीक से पढ़े होते तो ये गलती नहीं किए होते। और कह रहे थे लोग कि इनकी सरकार को ऐतिहासिक फैसला लेने में मजा आता है। ये ऐतिहासिक फैसला नहीं ले रहा है साहब, ये हम लोगों से ऐतिहासिक बदला ले रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोदी जी इतिहास में फेल कर गए थे तो वो हम लोगों से ऐतिहासिक बदला ले रहे हैं कि इतिहास में तुमको अब ज्यादा याद करना पड़ेगा। होता है ना कि बाबर कब पैदा हुआ, अकबर कब मरे, राणा सांगा के युद्ध में क्या हुआ, महाराणा प्रताप कौन थे, तो कुछ नया इतिहास जोड़ना चाहते हैं। वो कोई इतिहास नहीं बना रहे हैं, उनके मन में लगता है कि वो ऐतिहासिक फैसला ले रहे हैं। हकीकत ये है कि जब आप उसको देखेंगे गौर से, पूरे के पूरे एनआरसी की योजना को, आसाम में एनआरसी की मांग थी, आसाम के लोग एनआरसी मांग रहे थे क्योंकि वहां पर ये बहस थी इनसाइडर और आउटसाइडर का। जब एनआरसी की मांग आसाम में चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आया तो इनके दिमाग में एक आइडिया सूझा, कहते हैं ना सूझा, एक आइडिया सूझ गया कि पूरे देश में एनआरसी लागू कर देते हैं। हड़बड़ाहट में ये तो बोल दिए कि पूरे देश में एनआरसी लागू कर देंगे, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि रिजल्ट में क्या आने वाला है। देश का इतिहास पढ़ा होता तो मालूम होता कि पार्टीशन के वक्त चाहे 47 हो या 71, गैर मुसलमान ज्यादा भारत में आए थे। जो बात अभी अमित शाह पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बोल रहे हैं, लेकिन उसमें एक वो नई बात जोड़ रहे हैं कि पड़ोसी देशों में जिनके साथ धार्मिक आधार पर अत्याचार हुआ है उसकी वजह से जो लोग भारत आए हैं। तो मैं एक इतिहास इनका बता देता हूं। 47 में जब अंग्रेज भारत छोड़ करके जा रहे थे तो सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी और सावरकर ने चिट्ठी में लिखा कि देश छोड़ करके मत जाइए, आप देश छोड़ करके चले जाएंगे तो मुसलमान इस देश को वापस कब्जा कर लेंगे, आप ऐसा कीजिए कि अपने कोऑर्डिनेशन में नेपाल के राजा को भारत का राजा बना दीजिए क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। यह ऐतिहासिक बात मैं आपको बता रहा हूं। इनके दिमाग में यह हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति कोई नई नहीं है, हर बार इन्होंने यही किया है। और आज संसद में खड़ा होकर के अमित शाह कह रहे थे, आप लोगों को भी लग रहा है अमित शाह को कितना सुनते हैं, क्या कीजिएगा, अमित शाह ने संसद में यही कहा कि 5 साल के लिए जीत करके आए हैं, सुनना पड़ेगा। तो बस यही बात मैं उनको रिमाइंड कर देना चाहता हूं, जनता अगर 5 साल के लिए जिताती है
तो चुतियाती भी है, इस बात को याद कर लीजिए। जीत करके आए हैं और कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया। देख लीजिए इनकी आज भी जो भाषा है वो देश के पक्ष में नहीं है, वो अंग्रेजों के पक्ष में। सारी की सारी जो इनकी कोशिश है वो अंग्रेज की नीतियों पे चलते हुए, डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल करते हुए इस देश के नागरिकों को ये बांटना चाहते हैं। अंग्रेज ने इस देश का बंटवारा किया ये हम सब लोग जानते हैं, और ये कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बंटवारा किया। तो कांग्रेस ने बंटवारा किया तो आप साहब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार क्यों बनाए थे? जो मुस्लिम लीग कह रही थी कि भारत का बंटवारा होना चाहिए, दो लोग इस देश में बोले कि भारत का बंटवारा होना चाहिए, एक सावरकर और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना। और सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के बारे में यह बात जान लीजिए, ना सावरकर प्रैक्टिसिंग हिंदू थे ना जिन्ना प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, इस बात को आप जान लीजिए। धर्म को जो मानने वाला इंसान होता है वो कभी भी नफरत की बात नहीं कर सकता है, धर्म हमेशा प्यार की बात करता है, ईमान की बात करता है, पीस की बात करता है। धर्म के आधार पे आज जो नफरत हमारे बीच फैलाई जा रही है ये धर्म के लिए नहीं फैलाया जा रहा है, धर्म के आधार पर इस देश को गुमराह करके जैसे अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया, अमित शाह ने भी घोषणा कर दिया कि हम 50 साल राज करेंगे। इसीलिए यह जो तमाम कोशिश है वो कोशिश आपसे आपका संविधान छीन लेने का है, आपसे आपका जमहूरियत छीन लेने के लिए है। और आज अपने ही देश में आपको शरणार्थी बनाने का कोशिश किया जा रहा है। मैं सीधा तौर पे आपको कहता हूं कि यह संविधान और जमहूरियत और लोकतंत्र के ऊपर हमला है, और यह हमला किसी एक धर्म के ऊपर नहीं है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, किसी एक क्षेत्र के ऊपर नहीं है, इस देश की मूल भावना के ऊपर है, इस बात को आप समझ लीजिए। और इस देश की मूल भावना क्या है? इस देश की मूल भावना यह है कि अस्फाक कहते हैं बिस्मिल को, अस्फाक बिस्मिल को कहते हैं कि ऐ बिस्मिल तुम्हारे धर्म में पुनर्जन्म की बात है, हमारे धर्म में पुनर्जन्म की बात नहीं है। अगर हम अल्लाह से मिले और अल्लाह से हमारी भेंट हुई तो हम कहेंगे कि एक जन्म और दे दो, एक बार इस धरती पे और मिटना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। उस अस्फाक और बिस्मिल को की दोस्ती को ये तोड़ना चाहते हैं। आने वाली 19 तारीख को अस्फाक और बिस्मिल का शहादत दिवस है। मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध, एनआरसी का विरोध, एनपीआर का विरोध दरअसल में अस्फाक और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती को बचाने की लड़ाई है, इस बात को आप समझिए। इसीलिए उस 19 तारीख को पूरे देश में हम तमाम लोगों को कौमी एकता दिवस मनाना चाहेंगे, कम्युनल हार्मोनी डे मनाना चाहिए, नेशंस यूनिटी डे के रूप में उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और इनको बताना चाहिए कि ऐ जिन्ना और सावरकर के रास्ते पे चलने वाले अमित शाह और मोदी, इस देश के लोगों ने तुमको इस बात के लिए जिताया था कि तुम काला धन लाओगे, 15 लाख लोगों के खाते में पहुंचाओगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी पहुंचाओगे। तुमको इसलिए नहीं लाया था कि तुम अस्फाक और बिस्मिल की दोस्ती को तोड़ दोगे। हमें अस्फाक और बिस्मिल की दोस्ती मंजूर है और तुम्हारी ट्रंप और मोदी की दोस्ती मंजूर नहीं है। उस रास्ते पे हम भारत को नहीं चलने देंगे, ये सवाल आज हमारे सामने है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूं कि एक तकरीर कर देने से, एक जलसा कर देने से, एक मार्च निकाल देने से यह लड़ाई को हम लोग नहीं जीत पाएंगे। यह लड़ाई आज इस देश में अपने आजादी के उस संकल्प को बचाने की लड़ाई है। उस आजादी के संकल्प को यदि हम बचाना चाहते हैं तो हम तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इसीलिए हमारा आप तमाम लोगों से आग्रह है कि यह देश गांधी और अंबेडकर का देश है, यह देश फूले और बिरसा का देश है। इसीलिए इस देश को बचाने के लिए हम लोगों को सरकार के साथ और सहयोग करना पड़ेगा। और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट मांगने के लिए आइए, हाथ जोड़ करके उनको कहिए कि हम अतिथि देवो भव का पालन करने वाले लोग हैं, हम अमित शाह की तरह नहीं हैं कि बात भारत की संस्कृति के करते हैं और काम भारत की संस्कृति के खिलाफ करते हैं। आप आए हैं,
आइए पानी पीजिए, लेकिन हम आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने जा रहे हैं। ये हमारा देश है कि हमारा देश रहेगा, और हम सरकार से असहयोग का ऐलान करते हैं। इसके साथ साथ इनके द्वारा जो तर्क गढ़े जा रहे हैं, उन तर्कों का भी हमको जवाब देना पड़ेगा। दरअसल वो तर्क नहीं है, वो कुतर्क है। एक हमारा संघी दोस्त हमसे कुतर्क कर रहा था, बोला था तुम बताओ घुसपैठी को देश में रहना चाहिए? हम बोले बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो बोला कि घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? हम बोले एक मिनट रुक जाओ, घुसपैठी कहां से आया है? तो बोला बांग्लादेश से आया है। हम बोले अच्छा, लेकिन तुम तो कहते हो कि हम अखंड भारत बनाएंगे, तुम तो कहते हो कि हम अखंड भारत बनाएंगे, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश सबको मिला करके एक बृहत आर्यावर्त का निर्माण करेंगे, तो जो लोग आ गए हैं ऑलरेडी आर्यावर्त में उनको रहने दो, बाद में जब अखंड भारत बना लोगे तो बाकी लोगों को भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। यह बात मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूं? यह बात मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि ये अपनी बात पर टिके नहीं रहते हैं, ये अपनी बात को हर दिन पलट देते हैं। इसीलिए हमको अपनी बात पर टिके रहने की जरूरत है, और हमारा बात यह है कि भारत का संविधान किसी भी नागरिक के साथ जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, और इसके लिए हम तमाम लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है। एक उदाहरण साहब हमको समझा दीजिए कि मैंने मेरे ऊपर अगर किसी के हत्या का आरोप है तो दफा 302 लगेगा, और इमरान साहब के ऊपर किसी के ऊपर हत्या का आरोप है तो दफा 307 लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हिंदू है तो 302 लगेगा और मुसलमान है तो कोई और धारा लगेगी। अगर आप बीमार हुए हैं तो आपको संबित पात्रा पैरासीटामोल मोल देगा और हमको जो है कोई और दवाई दे देगा। देश चलता कैसे है? देश साइंटिफिक टेंपर से चलता है, रैशनैलिटी से चलता है, लॉजिक से चलता है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी से चलता है। और इस देश का ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? इस देश का ऑब्जेक्टिव रियलिटी ये है कि इस देश को हिंदू और मुसलमान के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। आप मुझे बता दीजिए कि जितने पॉपुलर भजन हैं जो हिंदू के मंदिरों में बजते हैं उसको किसी मुसलमान ने गाया है कि नहीं गाया है? और इस देश के भीतर जो हमारी संस्कृति है वो एक साझी संस्कृति है, साझी शहादत है, साझी विरासत है। इसीलिए इस साझी संस्कृति, साझी शहादत और साझी विरासत को बचाने के लिए एकजुट होइए। पार्टी का झंडा बैनर अपनी जगह पे है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, इस देश को एकजुट करने की लड़ाई है। आप तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि आगामी 19 तारीख को कौमी एकता दिवस मनाइए, और आगे जब भी एनपीआर एनसीआर और कैब आपके ऊपर थोपने की कोशिश की जाए उसके साथ असहयोग कीजिए, अहिंसात्मक तरीके से एकजुट होकर के इसका मुखालफत कीजिए। और इतिहास ने हमको यही सिखाया है कि जब जब हम एकजुट होकर के लड़े हैं तो हमने अंग्रेजों को भी हराया था, और अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले इन भाजपाइयों को भी हराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।